दोस्तों हमारे पास आया हुआ है गाड़ी होंडा एक्टिवा 125 सीसी। इसका जो होता है पिस्टन ब्लॉक पाइकिंग कैमशाफ्ट रोकर पिन इसका सब अलग आता है, दूसरे कोई गाड़ी मैच नहीं होता है। तो जो होता है 125 सीसी 125 इसका कैसे आता है, जैसे ब्लॉक कैसे आता है इसका आपको ये वीडियो के अंदर बताया हूँ। आप वो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और भी जानकारी वीडियो के अंदर बताया हूँ मैंने। आप लोग को ब्लॉग बताने जा रहा हूँ कौन से गाड़ी होंडा एक्टिवा 125 सीसी जिसको 125 बोलते हैं। इसका जो ब्लॉक होता है ब्लॉक अलग आता है, पैकिंग भी अलग आता है, स्टेप पिस्टन भी अलग आता है। या आप सोचोगे 3G 4G अटैची या 5G कोई भी गाड़ी का बैठाओगे इसमें बैठेगा नहीं। इसको जो गाड़ी का नाम है 125 सीसी वही चीज़ का नाम बोल के लेना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि इसका जो ब्लॉक होता है पूरा एल्यूमिनियम का होता है, दूसरा 110 3G 4G 5G ये सब लोखंड का होता है। इसका जो ब्लॉक होता है अलग होता है, पिस्टन भी बड़ा होता है और जो इसका साइज होता है ये वाला तो इसका साइज भी ज़्यादा रहता है और पिस्टन का लंबाई भी ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ तभी भी गाड़ी में पिकअप है 125 सीसी। अब इसमें समझ लो मैं आपको ब्लॉक के बारे में बता दिया हूँ, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो पैकिंग होता है पैकिंग भी अलग आता है। 125 सीसी के नाम से पैकिंग लोगे आप सोचोगे कि मैं दूसरी कोई गाड़ी का पैकिंग बैठा दूँ, इसमें दूसरी कोई गाड़ी का पैकिंग बैठता नहीं है। अभी एक बता दिया, दूसरा बताने जा रहा हूँ इसका, जिससे कैम साफ रोकर और दूसरा एक पिन आता है वो भी दूसरी कोई गाड़ी का बैठता नहीं। आपको भी बता देता हूँ कैसे इसका पिन आता है। ये देखिए पिन है एक्टिवा 3G 4G इसका पिन है, ये बैठता नहीं है। इसका जो पिन होता है अंदर का ये वाला ये थोड़ा से बड़ा आता है साइज में ज़रा से, एक तो ये इसमें भी फर्क आता है। अब दूसरा चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए ये 110 का है, ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं 110 3G 4G 5G उसका है और है 125 सीसी का। ये देख लीजिए इसका, इसका ये अलग है, ये थोड़ा से बड़ा आता है, ये पीस थोड़ा से बड़ा आता है, ये थोड़ा छोटा आता है। और जो टाइट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इधर चिड़िया देख लीजिए, तो इसका जो होता है अलग टाइप का रहता है। देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से थोड़ा हल्का से वाशर टाइप बना हुआ है और इसमें देखिए पूरा प्लेन है। ये समझ लो 3G 4G गाड़ी में लगता है और 125 सीसी में आपको बता रहे कैम शॉप रोकर समझ लो ये है 125 सीसी का। अब इसमें 110 सीसी इसे 3G 4G अटैची का उसका बताने जा रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा से फ़र्क आता है। अगर मामूली से आपको ध्यान से देखोगे तभी आपको दिखेंगे, तो अगर आपको तीनों देखो साथ से अगर दिख रहा है इसमें आपको तीनों सेम ही दिख रहा होगा। देख लीजिए आप चाहिए तो फिटिंग कर सकते हो, मुझे उसमें क्या है आपको गाड़ी के थोड़ा से पिकअप में प्रॉब्लम होगा। अभी ये देख ले तीनों आपको देखो सेम दिख रहा होगा, ये देख लीजिए ये भी देख लीजिए सेम दिख रहा होगा और ये भी मुला इसमें भी फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क है आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका डिस्टेंस देख लीजिए और एक बार साइड में रख दे रहा हूँ और इसका भी देख लीजिए ये थोड़ा अलग है, ये भी दिखा दिया। अब इसको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी देखिए थोड़ा से अलग है। देख लीजिए आपको तीनों दिख रहा होगा, तीनों में से आपको क्या चीज़ की फ़र्क गिरा देख लीजिए। ये देखिए ये है ये वाला, आपको कटा हुआ दिखा दे रहा हूँ मैं, ये जो कटा हुआ है देखिए ये है 125 सीसी का और ये भी है 125 सीसी का और ये 3G 4G अटैची जो होता है वो गाड़ी का है और जो 110 का ये उसका पीस है, इसका थोड़ा से अलग है। वापस एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं रख दे रहा हूँ मैं सैंपल पूरा सीधा सैंपल एकदम रख दे रहा हूँ मैं आपको, आपको दिख जाएगा हमारे वीडियो थ्रू से। ये देखिए हमने तीनों बराबर रख दिए, देख लीजिए इसमें से आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, ये थोड़ा फ़र्क है और बाकी देख लीजिए सब सेम दिखता है। ये दोनों इसका जो होता है यहाँ का सिस्टम अलग रहता है।
अभी इसमें आपको क्या दिखा, सिस्टम अलग आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, आप ध्यान नहीं दिए रहेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो के अंदर बराबर, एक बार आप भी चेक कर लीजिए। ये देखिए अबे क्या चीज़ प्रॉब्लम होगा, तीनों में से आपको सेम ही दिख रहा होगा। मुला इसमें आप कमेंट करके लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो होता है 110 में और 3G में और 125 cc में क्या फ़र्क आता है, आप लोग अगर सेम दिख रहा होगा। अभी मैं अल्टी बल्टी कर दे रहा हूँ, देख लीजिए अभी कौन से है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, कमेंट करके लिखिए। ये देखिए बराबर देख लीजिए सर, अब इसमें से बताइए आप कौन से, इसमें 110 का ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, और वापस एक बार रिपीट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसमें 110 में और 125 cc में क्या चीज़ होता है, क्या प्रॉब्लम होता है अगर आपने बैठा दिए तो, और उसको आप पहचान कैसे कर सकते हो कि ये गाड़ी का 125 cc का है।